संसार के ऊंचे स्थानों पर रही मानव बस्तियों में से एक है स्वर्ग भूमि तिब्बत, जो दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला, पश्चिम में काराकोरम श्रृंखला और उत्तर में कुनुनुल पर्वत से घिरा है। यहाँ के वातावरण, भू बनावट तथा ऊंचाई के कारण तिब्बत को बाकी विश्व से अलग भूभाग के रूप में देखा जाता है। विश्व के कई हिम शिखरों को अपनी छाती पर बिठाकर रखने वाला तिब्बत ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा, मेकंग, यांगजे तथा ह्वांगहो जैसी प्रख्यात नदियों का उद्गम स्थल भी है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा बाजार, उसके केंद्र में रहे पोताला दरबार, पश्चिम में रही विभिन्न नदियां व कैलाश मानसरोवर इस क्षेत्र के ताज हैं। यह विश्व में ही एक रमणीय स्थान के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए सालाना हजारों तीर्थयात्री पड़ोसी देश भारत से और संसार भर के हिंदू धर्मावलंबी नेपाल होते हुए चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में रहे कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। काठमांडू के ठमेल स्थित हिमालयन ग्लोरी ट्रैवल्स कैलाश मानसरोवर यात्रा का वर्षों से व्यवस्थापन करता आया है। यह यात्रा 13 रात और 14 दिन की होती है। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को 3 रात काठमांडू में और 10 रात तिब्बत में रहना होता है। कैलाश यात्रा पर जाने से पहले लोग आराध्य देव पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं। इस जगह को दीप पाटन भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ के पूरब में पवित्र बागमती नदी है, जबकि दूसरी ओर श्लेष्मांतक वन है। कैलाश चौर, गौरीघाट आदि अनेक तीर्थस्थल भी यहाँ हैं। हर साल लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री पशुपतिनाथ का दर्शन करने आते हैं। इसी सिलसिले में भारतीय मूल के 15 अमेरिकी तीर्थयात्रियों की टोली को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी टोली काठमांडू से मानसरोवर यात्रा के लिए निकलती है। वातावरण ठंड होते हुए भी खुशगवार है। काठमांडू, भक्तपुर, सांगा, बनेपा, धूलीखेल होते हुए 0 किलो कहे जाने वाले स्थान पर नाश्ते के लिए कुछ देर रुककर हमारी यात्रा पुनः तुलाल घाट, खाड़ी चौर, 12 विसे होते हुए आगे बढ़ती है। रास्ते में मनोरम झरनों एवं भोटेकोशी, सुनकोशी का जल प्रवाह तथा प्रकृति की छटाओं का भी रसास्वादन होता रहता है। इस यात्रा में हमारी कंपनी हिमालयन ग्लोरी ट्रैवल्स एंड टूर्स के प्रबंध निर्देशक बीके पांडे के भी साथ रहने के कारण सभी तीर्थयात्री और उत्साहित एवं रोमांचित हैं। और सुबह के 11 बजे हम नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र तातोपानी पहुंच जाते हैं। तातोपानी में कुछ देर हमने होटल में विश्राम किया। हमारे साथ गए सभी तीर्थयात्रियों व नेपाली कामदारों ने भोजन किया। इसके बाद पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक कागजात चीन के सुरक्षा कर्मियों को दिखाकर हम चीन के अध्यागमन कार्यालय के आगे पहुंचे। इसके बाद 5 मिनट पैदल चलकर हम जीप तक पहुंचे। सभी तीर्थयात्री जीप में बैठकर आगे बढ़ने लगे तो जंगमू बाजार का मनोरम दृश्य देखकर हमारा दिल झूम उठा। अगल बगल नैना विराम प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए हम
जंगमू बाजार पहुंचे। जंगमू बाजार को नेपाली में खासा बाजार नाम से जाना जाता है। इस बाजार में कुछ देर जीप रोककर आगे बढ़ने के क्रम में दिखने वाला यह झरना, शांत वातावरण, जंगल की हरियाली को पार करते हुए हम न्यालम शहर पहुंचे। यह न्यालम शहर समुद्र की सतह से 3,750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के बाद ऊंचाई से होने वाली समस्या से बचने के लिए न्यालम बाजार से ऊंचाई वाली जगह पर वह पहाड़ी का रमणीय दृश्यों का अवलोकन किया जाता है। अक्सर यहाँ की पहाड़ी तक की यात्रा कर चुकने के बाद यह तय हो जाता है कि ऊंचाई से होने वाली समस्या आएगी या नहीं। कोई नाचते हुए तो कोई घूमते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। सामान्यतया तीर्थयात्रियों को यहाँ पहले दिन कुछ परेशानी होती है, लेकिन एक रात गुजार लेने के बाद आप से आप सब ठीक हो जाता है। तीसरे दिन न्यालम से डोंगबापा जाने के क्रम में तीर्थयात्रियों को लेकर जब हमारी जीप आगे बढ़ी तो 3 घंटे में 5,050 मीटर की ऊंचाई पर यालुंगला पास आती है। यहाँ एक बड़ा सा द्वार में लाल सफेद पीला ध्वज अर्थात लुंगदर सुसज्जित है। यालुंगला पास का कुछ देर दृश्यावलोकन करने के बाद हमारे आज के गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले पेकुचू झील आता है। पेकुचू झील का मनोहर दृश्य देखते हुए हम आधे घंटे बाद नमकीन झील के पास पहुंचते हैं। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद हम तिब्बती शहर सांगा बाजार के नजदीक पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी के पास पहुंचते हैं। हमारी टोली कुछ देर वहां ठहर कर सांगा बाजार की ओर बढ़ती है। लंच के बाद वहां से हमारी यात्रा डोंगबा की ओर बढ़ती है। शाम करीब 5 बजे हम रात्रि विश्राम के लिए डोंगबा पहुंचते हैं। डोंगबा मुख्य राजमार्ग से करीब 10 किलोमीटर बाहर बसाया गया एक व्यवस्थित शहर है। यहां रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, पुलिस स्टेशन आदि सभी कुछ है। आज का दिन हम करीब 650 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सुबह 5 बजे नित्य कर्म तथा स्नानादि से निवृत्ति के बाद गर्म गर्म कॉफी की चुस्की लेते हुए हमारी टोली 8 बजे के करीब मानसरोवर यात्रा के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में मरुभूमि की तरह दिखने वाले पठार, छोटी छोटी नदियों, झीलों व मानव बस्ती को पार करते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है। रास्ते में दिखने वाला भेड़ का झुंड काफी मनमोहक होता है। भेड़
भेड़ का दूध दूहते हुए देखना हमारे लिए काफी रोमांचक रहता है। वहां करीब घंटे भर ठहर कर हम होरचू मानसरोवर की ओर बढ़ चलते हैं। इस दौरान हमारे तिब्बती गाइड वीजा परमिट वगैरह की जांच करवाते हैं। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम मानसरोवर होरचू पहुंचते हैं। होरचू में हमारी टोली के सदस्य फोटो लेना शुरू करते हैं। वहां के स्थानीय नियम अनुसार हम अपनी जीप छोड़कर स्थानीय बस पर सवार होकर मानसरोवर के किनारे किनारे चुगुम्बा तक पहुंचते हैं। चुगुम्बा, यहां ठहरने के लिए 20-25 लॉज, अतिथि गृह आदि हैं। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील को मानस भी कहते हैं। मानस का अर्थ मस्तिष्क व चेतना होता है। इस हिसाब से मानसरोवर झील चेतना या ज्ञान की झील के रूप में भी हमारे बीच परिचित है। यह झील समुद्र सतह से 4,580 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। मानसरोवर झील ने हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच गहरा धार्मिक एवं आध्यात्मिक संबंध बना दिया है। मानसरोवर झील की परिक्रमा कर इसके पवित्र जल से स्नान करने पर जीवन में जाने अनजाने हुए सभी पापों के धुल जाने एवं शरीर में रहे संपूर्ण रोग व्याधियों से मुक्त होने का धार्मिक विश्वास है। साथ ही इस स्नान से सदा के लिए अपना यौवन और शक्ति कायम रखे जा सकने की भी मान्यता है। इस झील से जुड़े किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती प्रत्येक रात 2 से 4 बजे तक इस झील में स्नान करते हैं और इस स्थान पर रहने वाले सभी धर्मावलंबी शिव पार्वती का पूर्णिमा की रात को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। मानसरोवर झील हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। मानसरोवर झील से उत्तर में कैलाश पर्वत, पश्चिम में राक्षस झील अवस्थित है। इस मानसरोवर झील की वृत्त 102 किलोमीटर है। इसको पैदल परिक्रमा करने के लिए 3 दिन तक लगने की बात स्थानीय वासी बताते हैं। झील के किनारे राजहंसों को तैरते हुए देखा जा सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन में एक बार यहाँ पहुँचना ही चाहिए। मानसरोवर पहुँचने पर हमारी टोली के सभी तीर्थयात्री झील के किनारे जाकर नहाने लगते हैं। हमारे स्टाफ नहाने के टेंट को व्यवस्थित करने के साथ ही गर्म पानी, पूजा के लिए आवश्यक सामानों की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं और हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी तीर्थयात्री पूजा अर्चना करने लगते हैं। करीब 3 घंटे के इस कार्यक्रम के बाद हम पूजा तथा होम संपन्न कर चुगुम्बा में जाकर भोजन करने के बाद बढ़ जाते हैं दार्चेन शहर की ओर, जिसे कैलाश यात्रा का आधार शिविर भी कहा जाता है। करीब 45 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम दार्चेन पहुंचते हैं। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम बाजार की ओर निकलते हैं। यह छोटा सा शहर काफी खूबसूरत है। दार्चेन से आज कैलाश परिक्रमा की तैयारी हो रही है। हम सभी तीर्थयात्री जीप में बैठकर दार्चेन शहर का अवलोकन करते हुए यमद्वार की ओर बढ़ते हैं। दार्चेन से यमद्वार पहुंचने में जीप से करीब 15 मिनट का समय लगता है। इस जगह को तारबोचे भी कहा जाता है। यमद्वार पहुंचने पर जीप से उतरकर सभी तीर्थयात्री पंक्तिबद्ध होकर भगवान शिव पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं। यह कार्य संपन्न होने के बाद यमद्वार के चारों ओर घूमने का काम शुरू होता है।
यमद्वार की तीन बार परिक्रमा करने के बाद असक्त तीर्थयात्री यहीं से कैलाश का दर्शन कर वापस लौट जाते हैं। यमद्वार की परिक्रमा करते समय भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा बराबर ही पुण्य प्राप्त होने की जनधारणा है। यमद्वार के दर्शन के बाद 1 किलोमीटर दूर रहे सेरसोंग की ओर हमारी जीप पड़ती है। यह है सेरसोंग, जहां से कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा शुरू होती है। सेरसोंग से खाद्य वस्तु व अन्य आवश्यक सामग्री चमरी गाय पर लादकर कैलाश परिक्रमा के लिए हम 3 दिनों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कैलाश पर्वत का पैदल यात्रा ना कर पाने वाले घोड़े पर सवार होकर भी इसकी परिक्रमा करते हैं। समुद्र सतह से 6714 मीटर की ऊंचाई पर रहा कैलाश पर्वत विश्व का ही सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। इतनी महिमाशाली होते हुए भी इस स्थान का भ्रमण बहुत कम ही हो पाता है। 4 विभिन्न धर्म के करोड़ों धर्मावलंबियों के बीच अत्यंत पवित्र माने जाने वाले इस स्थान पर सालाना चंद हजार धर्मानुरागी ही तीर्थयात्रा के लिए आते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से पहले ही कैलाश पर्वत की पृथ्वी के मध्य स्थान और संसार के उत्पत्ति स्थल के रूप में पूजा की जाती थी। रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत की पवित्रता एवं महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन इन ग्रंथों के लिखे जाने से काफी पहले से इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता आया है। प्राचीन एशिया में कैलाश पर्वत एक अलग ही पहचान के साथ अस्तित्ववान है और इससे एक अलग व विशिष्ट सभ्यता का प्रतिबिंबन होने की बात पर विभिन्न धर्मावलंबियों व लेखकों में एक मत पाई जाती है। तिब्बत में रहे कैलाश पर्वत का विशेष वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं हो पाया है। पश्चिम में काराकोरम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैले समूचे हिमालय खंड से उत्तर में यह पवित्र धार्मिक पर्वत खड़ा है। शैव, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनपो धर्म ने कैलाश को समान रूप से सम्मान दिया है और सभी ने इसकी महत्ता की अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। शैव, बौद्ध दोनों के प्राचीन साहित्य में संसार के केंद्र के रूप में वर्णित सुमेरु पर्वत के ही भौगोलिक उपस्थिति के रूप में कैलाश को चिन्हित किया गया है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच शिव पार्वती के वास स्थान के रूप में सम्मानित कैलाश को बौद्ध धर्मावलंबी कांग रिम्पोचे के नाम से श्रद्धा करते हैं। कैलाश और मानसरोवर को बौद्ध धर्मावलंबी बड़ा ही प्राकृतिक मंडला मानते हैं। जैन धर्मावलंबी इस एकांत शिखर को अस्पाड़ा कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ने यहां आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की थी। कैलाश पवित्रता का प्रतीक कैसे बना, इस संबंध में अभी तक प्राप्त तर्क इस तरह हैं। यह पर्वत सबसे एकांत में है, इसकी परिक्रमा की जा सकती है और इस क्षेत्र में चारों दिशा से एशिया की 4 बड़ी नदियां यारलंग जांगबो अर्थात ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदस और कर्णाली उत्पन्न हुई है। कैलाश को संसार का केंद्र मानकर पुराण काल से ही बौद्ध धर्मियों ने मंडला चित्र को विख्यात बनाया है। कैलाश परिक्रमा करने का मार्ग करीब 53 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में 5,636 मीटर का सबसे ऊंचा डोलमाला व डोरमाला पास पार करना पड़ता है। तीर्थयात्रियों के लिए जून से सितंबर तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेपाल के रास्ते से इस पर्वत का हजारों तीर्थयात्री यात्रा करते हैं। नेपाल की ओर से आने वाले तीर्थयात्री परापूर्व काल से ही हुमला तथा दार्चुला के रास्ते से इधर आया करते थे। आजकल काठमांडू, नेपालगंज, सिमकोट हुमला होते हुए हेलीकॉप्टर से तथा काठमांडू तातोपानी होते हुए मोटर से यात्रा किया करते हैं। ठंड के मौसम में बर्फ से ढके रहने के कारण यात्रीगण वर्षा तथा शरद ऋतु में
यह यात्रा करते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार एक बार कैलाश परिक्रमा करने वालों के वे सभी पाप धुल जाते हैं जो उसने जाने अनजाने किया हो। मान्यता यह भी है कि जिसने पवित्र कैलाश पर्वत की 108 बार परिक्रमा कर ली वह सीधे निर्वाण अर्थात बुद्ध का बोधिसत्व प्राप्त कर लेता है। एक बार जो नंदी परिक्रमा करता है उसे 13 बार कैलाश परिक्रमा बराबर का फल प्राप्त होता है। यमद्वार से करीब 4-5 घंटे की यात्रा के बाद हम देरापुक पहुंचे। इस जगह की ऊंचाई 4,900 मीटर है। देरापुक से कैलाश नजदीक दिखती है। आज डोलमाला पास करने का दिन है। वही डोरमाला पास है। यह समुद्र सतह से 5,636 मीटर की ऊंचाई पर है। इस यात्रा का सबसे ऊंचा और रमणीय स्थान यही है। डोरमाला से 10 मिनट नीचे की ओर चलने के बाद गौरी कुंड दिखता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ शिव जी और पार्वती स्नान किया करते हैं। यह जगह जुथुलपोक गुम्बा है और आज एक रात यहाँ गुजार कर हम कल दार्चेन होते हुए मानसरोवर के बगल से होकर च्यूगोम्बा पहुंचेंगे। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के बाद 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद चोंगदो पहुंचते हैं। चोंगदो से आधे घंटे की जीप यात्रा के बाद हम दार्चेन पहुंचते हैं और इस तरह हमारी 3 दिनों की कैलाश परिक्रमा संपन्न होती है। दार्चेन में भोजन करने के बाद हम मानसरोवर की ओर बढ़ते हैं। कुछ तीर्थयात्री तीर्थपुरी का दर्शन करने के लिए दार्चेन से सीधे तीर्थपुरी के लिए प्रस्थान कर शाम का पड़ाव मानसरोवर में ही डालने के हिसाब से चलते हैं। तीर्थपुरी दार्चेन से 70 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। इस जगह को भस्मासुर भी कहते हैं। यह क्षेत्र तिब्बत का तीसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। कैलाश कोरा अर्थात कैलाश क्षेत्र की परिक्रमा करने वाले तीर्थयात्री तीर्थपुरी को अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य मानते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तीर्थपुरी के भ्रमण के बिना कैलाश परिक्रमा अधूरी रह जाती है। तीर्थपुरी सतलज नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। तीर्थपुरी परिक्रमा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। सभी तीर्थयात्री दार्चेन होते हुए च्यूगोम्बा जाते हैं और यहाँ से हम खोजरनाथ मंदिर की ओर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। खोजरनाथ मंदिर मानसरोवर से 85 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर पड़ता है। अष्टपद। अष्टपद शब्द से 8 कदम का बोध होता है। अष्टपद को धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र पर्वत के रूप में लिया जाता है। कैलाश और नंदी पर्वत के पड़ोसी यह पर्वत परापूर्व काल से ही कई ऋषि मुनि तथा भिक्षुओं का पवित्र ध्यान केंद्र के रूप में स्थापित है। जैन धर्म के प्रख्यात मुनि ऋषभदेव ने इसी पर्वत की गुफा में ध्यान किया था। नंदी। सप्तऋषि गुफा तथा नंदी परिक्रमा कैलाश पर्वत की परिक्रमा से कठिन मानी जाती है।
इस यात्रा को तय करने में 2 दिनों का समय लगता है। तीर्थयात्री नंदी परिक्रमा को एक महत्वपूर्ण गंतव्य मानते हैं। राक्षस झील। राक्षस झील के अंधकारमय पानी के नीचे मांसाहारी राक्षसों के छिपकर बैठे होने की धार्मिक मान्यता के अनुसार इस झील का नाम राक्षस झील पड़ा है। अंधकार और विनाशक शक्ति का प्रतीक माने जाने वाले इस झील से धर्मानुरागियों के दूर ही रहने की मान्यता है। धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार इस झील का पानी विषाक्त एवं प्राणघातक है। हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने इसी झील में बैठकर कठोर तपस्या के बाद महादेव को प्रसन्न किया था। यह झील 4,540 मीटर की ऊंचाई पर है। मानसरोवर के पवित्र पानी इस झील के पानी के विष को समाप्त करने के उद्देश्य से मानसरोवर और राक्षस झील के बीच एक सुरंग के जरिए मानसरोवर का पवित्र जल राक्षस झील में मिलाया गया है। इसी सुरंग से एक सुनहरी मछली भी राक्षस झील में भेजी गई। जब वह मछली राक्षस झील में जीवित ही पाई गई तो लोगों की इस झील के प्रति रही नकारात्मक मानसिकता में परिवर्तन आई और लोग इस झील के नजदीक जाने भी लगे। लेकिन अभी भी स्थानीय वासी तथा धर्मानुरागी इस झील का पानी पीने से परहेज करते हैं। हमारी टोली दार्चिन में ही रह जाती है। दूसरे दिन हम मानसरोवर से सांगा तक 6 घंटे की यात्रा तय करते हैं। उस रात हम सांगा में ठहरते हैं। आज की हमारी यात्रा सांगा से जांगू तक की है। यह यात्रा करीब 7 घंटे की होती है और रात हम जांगू में गुजारते हैं। करीब 5 घंटे की यात्रा के बाद काठमांडू पहुंचकर हम रात्रि विश्राम के लिए होटल पहुंचते हैं। कुछ तीर्थयात्री कैलाश यात्रा के बाद मनकामना तथा मुक्तिनाथ की यात्रा करते हैं, जबकि ज्यादातर तीर्थयात्री अपने अपने घर लौट जाते हैं। यह कंपनी हिमालयन ग्लोरी ट्रैवल्स एंड टूर्स मानसरोवर कैलाश सहित पर्यटकों की मांग के मुताबिक विभिन्न प्रकार से पैकेज टूर जैसे रैफ्टिंग, ट्रैकिंग, जंगल सफारी आदि का व्यवस्थापन भी करती है। यह कंपनी भविष्य में भी इस तरह के टूर कार्यक्रमों का व्यवस्थापन करती रहेगी।